नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडिया एक अकेडमी स्वागत है आज आपके लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आरबीआई नई भर्ती दो हज़ार एक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नई भर्ती निकली है दोस्तों ये भर्ती होगी आपके राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल दिल्ली मुंबई और अन्य जगह पर भी है कानपुर कोलकाता लखनऊ मुंबई नागपुर नई दिल्ली इलाहाबाद बेंगलुरु भोपाल सभी जगह भर्ती निकली हुई है टोटल नंबर ऑफ दो सौ इकतालीस पदों पर यह भर्ती है आपको पूरी डिटेल बताऊंगा दसवीं पास पर ये फॉर्म भरे जाएंगे किस बैस पर दसवीं बेस पर और पचास भरने की, की फीस होगी ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको शुरू में बता देता हूं अब आप वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी यज्ञता यहाँ पर स्किप कर सकते हो चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूँ और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ यदि आप किसी भी भर्ती की इसी भर्ती की नहीं किसी भी भर्ती की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टेडियाडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा देखिएगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है दो पद इकतालीस सिक्योरिटी गार्ड के चलिए आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है आदि आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो देखिएगा यहाँ पर वेबसाइट लिंक ओपन जनवरी 22 2021 से फरवरी बारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ठीक है पेमेंट ऑफ टेस्ट फीस कितनी होगी कब तक कर सकते हो बारह तारीख तक कर सकते हो आपका एग्जाम जो होगा फरवरी या मार्च दो हज़ार इक्कीस में आपका ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा ठीक है ये सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हो जैसे इसकी पूरी जानकारी और भी बता दूंगा मैं एडमिट कार्ड कब आएगा सारी जानकारी आप हमारे यहाँ से मिलेगी वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है देखिएगा यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिएगा अहमदाबाद में वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ सेवन वैकेंसी है बेंगलुरु में बारह वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप देख लेना भोपाल में दस वैकेंसी भुवनेश्वर में आठ वैकेंसी चंडीगढ़ में दो वैकेंसी चेन्नई में बाईस वैकेंसी है मित्रों बहुत बढ़िया वैकेंसी है गुवाहाटी में ग्यारह वैकेंसी ऑल इंडिया के विद्यार्थी अप्लाई करें हैदराबाद में तीन और बहुत सारे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो राजस्थान के विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनके यहाँ पर दस वैकेंसी है दोस्तों दस वैकेंसी दो एस की है दो एस की है एक किसकी जीरो ओ की है ई की, की एक है जनरल की पाँच इस प्रकार दस वैकेंसी हो जाती है ठीक है और हम अप्लाई कर देना बहुत सारे सोच रहे हैं सर अब हम ओ से हैं हमारे एक भी पोस्ट नहीं है यहाँ आप फॉरम में अप्लाई कर सकते हो जनरल में काउंट हो जाओगे उसके अलावा यहाँ पर जम्मू में वैकेंसी है चार कानपुर में है पाँच कोलकाता में पंद्रह लखनऊ मुंबई सभी में यहाँ पर वैकेंसी है आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है मुंबई में क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है इसी प्रकार यहाँ पर एट्टी फोर वैकेंसी दी गई है इस कारण टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दो सौ इकतालीस आप हर जगह से फॉर्म भर सकते हैं ठीक है अभी आपको और जानकारी बताऊंगा इसके बारे में आप ध्यान से सुनते रहिएगा मन लगा करके ठीक है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो बिफोर अट्ठाईस फरवरी तक यहाँ पर जो आपकी जो है सब कुछ हो जाना चाहिए वो मैं बताऊँगा क्या क्या होना चाहिए ठीक है थीके? एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देखिएगा यहाँ पर एक एक दो हज़ार इक्कीस के अनुसार नॉर्मल एज लिमिट पच्चीस ईयर्स ओ बी सी के लिए अट्ठाईस ईयर्स और एस सी एस टी के लिए तीस साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जनरल वाले पच्चीस ओ बी सी वाले अट्ठाईस एस सी एस टी वाले तीस साल तक और अन्य जो छूट दी गई है वो आप देख सकते हो ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम से आगे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट शुड हैव यानी कि पास होना चाहिए टेंथ पास टेंथ मतलब एस, एस मतलब बहुत सारी जगह एस बोलते हैं मेट्रिकुलेशन बोलते हैं तो ये आपका इंटरव्यू होता है इंटरव्यू बोलते हैं तो आपका ये होना चाहिए फॉर रिकोगनाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड और इक्वलेंट यानी कि आपका या तो स्टेट कर रखा हो या इक्वलेंट कोई भी बोर्ड कर रखी है और हम भर सकते हैं एक्स सर्विस मैन हु है तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे नहीं हो पा रहा है बस आपको उस को फोटो लेना है, को करना है पांच के अंदर आपको राजस्थान बोर्ड का चाहे आई आई जेई नीट या क्लास सिक्स से बारहवीं का सवाल हो इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोट पर फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर साथ ही डाउनलोड पर क्लास नौवीं से बारहवीं तक

छुट्टी ले ली है तो वो भी एक सर्विस मैन है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसके अलावा यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा और रिक्वायरमेंट क्या है देखिएगा यहाँ पर यह सारा है ठीक है सलेक्शन प्रोसेस आपको महत्वपूर्ण है सलेक्शन प्रोसेस क्या है तो यहाँ पर सलेक्शन प्रोसेस होगा नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट आएगा रीजनिंग का चालीस क्वेश्चन चालीस नंबरों के जनरल इंग्लिश आएगी तीस क्वेश्चन तीस नंबरों के न्यूमेरिकल एबिलिटी तीस क्वेश्चन तीस नंबरों के यानी कि अस्सी नंबर का अस्सी मिनट का पेपर होगा सौ क्वेश्चन होंगे सौ नंबर के तो बढ़िया मौका है जिनकी रीजनिंग अच्छी है मैथ अच्छी है तो उनको सीधे सीधे सत्तर नंबर का प्रॉफिट है कितने का सत्तर का केवल इंग्लिश आ रही है झिक्के कुछ भी नहीं आ रही है ध्यान से सुन लो झिक्के नहीं है ऑनलाइन टेस्ट है यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है अब अच्छे से आप समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट जानकारी और भी क्या है फिजिकल टेस्ट भी होगा यहाँ पर क्या होगा फिजिकल डिटेल आर गिवन एन एक्सरी पस्ट में उसके अलावा अलग अलग जो यह है यहाँ पर एन में दिया गया है चलिए आपको पूरी बता देता हूँ यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ होने वाला है ये देख लो एड्रेस ऑफ द ऑफिस तो यहाँ पर एड्रेस और ऑफिस वगैरह का है. देख सकते हो कहाँ पर कौन सा ऑफिस है टेस्ट सेंटर टेस्ट सेंटर आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्ट डिफरेंट वेन्यू यानी कि स्टेट यूटी यानी कि सभी जगह आपका जो है टेंटिवली लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगा आपको चीज नीचे बताऊँगा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे बहुत अच्छी खासी पेमेंट है दस हज़ार नौ सौ चालीस रुपये जो है बेसिक होगा उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको हाउस रेंट वगैरह मिलेगा पंद्रह परसेंट उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग सारा आपको जो है सत्ताईस हज़ार छः सौ बहुत बढ़िया पेमेंट है पूरा अप्लाई कर देना मित्रों हाउ टू अप्लाई ये सारा नीचे दे रखा है आप जानकारी के माध्यम से पूरी जानकारी देख सकते हो ये सारी जानकारी आप इसे ध्यान से पढ़ना है ठीक है मैं इतनी सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस फॉरम को भरना चाहते होंगे क्योंकि दसवीं पास है तो ये बहुत ज़्यादा फॉरम भरे आएंगे यहाँ पर और इसकी पूरी जानकारी हम आपको रोजाना अपडेट करेंगे इस प्रकार की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हो तो आपने बहुत देर कर दी है आप देर मत करना आप बटाबर से जुड़ जाए फिजिकल जो एन एक्सोरी फर्स्ट में दे रखा है वो देख सकेगा रन होगा टू पॉइंट फोर किलोमीटर का पाँच मीटर की शटल इन वन मिनट मिनट होगा पुश ऑप होगा सिट अप होगा सारा होने वाला है यहाँ पर इसके अलावा ये सारी जानकारी आप इसे ध्यान से पढ़ना है ये आपकी काम की चीज़ें हैं और यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर मैंने बताया था अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफिस तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा जो देखो यहाँ पर ये सारी जानकारी दे रखी है आप देख सकते जयपुर में राजस्थान में होंगा जयपुर जयपुर जगह में मतलब आपकी राजधानी और इसके अलावा और भी सारी जानकारी आप डिटेल के साथ यहाँ से देख सकते हो ये टेस्ट सेंटर वो तो आपका ऑफिस हो गया टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ आ सकता है तो टेस्ट सेंटर यहाँ यहाँ पर आ सकता है ठीक है ये टेस्ट सेंटर की जगह आप यहाँ पर टेस्ट सेंटर राजस्थान वाले विद्यार्थी तो ये जगह देख लो अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर जोधपुर कोटा सीकर उदयपुर इनमें एग्जाम सेंटर आ सकता है सिक्किम में यदि आपने फॉरम भरे हो तो कोलकाता में तो गंगटोक में आएगा ठीक है इस प्रकार अलग अलग जगह आप देख सकते हो तो इसे ध्यान से पढ़ना बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है बत्तीस पेज का नोटिफिकेशन है बत्तीस पेज के मुझे आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो यह वीडियो आपकी लगभग दो चार घंटे की बन जाएगी और दो चार घंटे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इतनी सी वीडियो में आपको हर प्रकार की जानकारी समझ में आ गई होगी मोटी मोटी जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है कि टेस्ट में क्या आने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फॉरम कैसे भरना है सारी जानकारी आप देख सकते हो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा किसका टेलीग्राम का टेलीग्राम में जाना है वहाँ से डाउनलोड करना है बहुत अच्छा काम है हर प्रकार की जानकारी टेलीग्राम मिलेगी ऑल इंडिया की भर्तियाँ धन्यवाद